शाक्स, मैं हूँ रिचा और मैं 32 साल की हूँ। और मैं हूँ वानी, मैं 41 साल की हूँ। हम दोनों दिल्ली से हैं। रिचा और मैंने पिछले कुछ सालों में कई फेजेस देखे, टीनेज, मदरहुड और बहुत सारे चेंजेस भी होते हुए देखे। सबसे ज्यादा बदले हमारे टीन्स सोशल मीडिया के चलते। ये जो एज होती है ना, 8 से लेके अर्ली अडल्टहुड, ये बहुत सेंसिटिव होती है। इसमें लड़कियां बहुत सारे चेंजेस से गुजरती हैं, इमोशनल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, उनकी बॉडीज कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही होती है। इस स्टेज में उन्हें जरूरत होती है एक्सेप्टेंस की, कॉन्फिडेंस की। लेकिन ये एक्सेप्टेंस और कॉन्फिडेंस में एक बहुत जरूरी पार्ट उनके इनरवेयर का भी होता है। एंड सो वी प्रेजेंट टू यू दीचिका। दीचिका एक ऐसा इनरवेयर ब्रांड है जिनके मेन कैरेक्टर्स टीन गर्ल्स एंड यंग वेमेन है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स जैसे ब्रास, कैमिसोल्स, पैंटीज और पीरियड पैंटीज का एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू गिव अ ग्रोइंग गर्ल्स द चॉइस ऑफ बीइंग कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल। और इसी वजह से आज हम सिर्फ उन्हीं के नहीं बल्कि उनकी मॉम्स के भी फेवरेट बन गए हैं। और हम बनाना चाहते हैं दीचिका को हर टीनेज गर्ल, हर यंग वुमन की BFF। इसके लिए हमारी आस्क है 80 लाख फॉर 1% इक्विटी। शार्क्स, क्या आप तैयार हैं हमारे साथ इंडिया की ग्रोइंग गर्ल पावर का हिस्सा बनने के लिए? डेफिनेटली चिकास। दीचिका। जबरदस्त पिच आप लोगों ने दी, बहुत अच्छे भी लग रहे हैं आप दोनों। थैंक यू। कैसे कनेक्ट किया आप दोनों ने आपस में और ये आइडिया कैसे आया? मेरे तो रिचा और मैं सिस्टर इन लॉज हैं। ये मेरी भाभी है, मुझसे छोटी है पर सो हमने 2014 में एक साथ ही अपना इससे पहले बिजनेस शुरू किया था, जिसको हमने बहुत अच्छे से जलाया, हाथ पैर सब जलाए उसमें। किस चीज का था वो? किड्स वेयर में था। हाथ पैर जलाए कि पैसे भी जलाए? पैसे भी जलाए। कितने पैसे जलाए? हमने 70 लाख जला दिए उसके अंदर। खुद के कि बाहर से रेज़ किए? खुद के, तब कुछ पैसे नहीं लिए थे। इट्स एक्चुअली अ एक्सपेंसिव बी स्कूल कहते हैं हम उसको। अच्छा, दैट्स अ गुड वे। बाय 2018 हमें रियलाइज हो गया था कि ये वाला काम तो नहीं बन रहा है, सो वी वर थिंकिंग व्हाट नेक्स्ट टू डू। तो उस वक्त हम मार्केट गैप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे एंड वर ऑलवेज इन सर्वे मोड। तब 2018-19 में अगर आप अमेज़न या कहीं भी जाते थे और आप लिखें यूथ ब्रास या एनी इनरवेयर फॉर गर्ल्स, आपको दिखती होंगी उन्हों बड़ी एज की लेडीज इनरवेयर पहने हुए, जो अगर मैं एक मदर हूँ तो मैं अपनी बेटी के लिए तो खरीदने में ठीक नहीं लगेगा, और अगर मैं टीन हूँ तो मैं उसे कनेक्ट नहीं करूँगी, बहुत बोरिंग है, मैं क्यों पहनूँ जो एक 30 साल की लेडी पहन रही है। तो हमें लगा कि गैप तो है एंड 2020 में हमने अपना फर्स्ट इनरवेयर कलेक्शन लॉन्च किया। आप लोग टेक्सटाइल बैकग्राउंड से हो क्योंकि आपने पहले भी किड्स वेयर किया, फिर ये भी? मेरा एक्चुअली मीडिया बैकग्राउंड है। ओके। मैंने जर्नलिज्म पढ़ा है दिल्ली LSR से, 4-5 साल कंसल्टेंसी भी किया, कम्युनिकेशन कंसल्टेंसी, तब मैंने मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम किया था। मैंने ग्रेजुएशन करी है पर्ल एकेडमी से इन फैशन बिजनेस। और आप लोग मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हो या बाहर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप है? तो हमारे इस वक्त 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिसपे हम अभी ऑपरेट करते हैं, जिसमें से 4 बाहर से हैं और 1 हमारा इन हाउस है। कंपेटिटर्स कौन है? दैट्स द होल थिंग, कंपेटिटर्स एक बहुत बड़ा वाइट स्पेस है, लोग इसको ट्रीट करते हैं एज अ कैटेगरी एक्सटेंशन। कौन है सबसे बड़ा ब्रांड? जॉकी है इंडिया में सबसे बड़ा ब्रांड। okay. जिसकी मिस जॉकी में 8-9 स्टाइल्स होते हैं मोस्टली। मैं आपको प्रोडक्ट्स भी दिखा सकती हूँ। प्लीज प्लीज। थैंक यू। ये नॉर्मल कॉटन पैंटी है। Very good feel to the fabric. Good. Almost 100% quality. Cotton. Yes, it's combed cotton. थोड़ा सा lycra है for stretchability, yes, but yes. Otherwise it's fantastic. Yeah, it's 95%. आपने polyester वगैरह use किया? And आपने इसमें वो hooks नहीं बनाए हैं? कोई भी product में हमारे hooks नहीं हैं. So that it's easier to wear. So वो वाला stress नहीं. Also वो pokey होता है ना, क्योंकि हमें याद है जो हमारा first experience था बहुत comfortable नहीं था. Also एक चीज होती है जो लड़कियों में प्रॉब्लम क्या होती थी बहुत बार, एक तो 3-4 स्पोर्ट्स ब्राज या फिर वो कप्स वाले जो ब्राज होते हैं वो मिल जाते हैं, जिसमें साइजिंग और डिस्कम्फर्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो रिचा ने सिलोवेट्स ही ऐसे डेवलप करे हैं जो स्ट्रेचेबल हैं। और ये डॉक्टर गारिमा इज अ न्यू एंगल नो? डॉक्टर गारिमा इज अ कंसल्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट विद अस। दिस इज समथिंग न्यू। हाँ, सो वी डू इट फॉर कम्युनिटी बिल्डिंग, सो गर्ल्स कैन रीच आउट टू हर थ्रू आवर वेबसाइट, थ्रू आवर DMs, टॉक टू हर। हम बहुत सारे स्कूल एक्टिवेशंस कर रहे थे पीछे, where they used to ask not only about the product, but very personal questions, जो वो probably अपनी family में और बाकी लोगों से नहीं पूछ सकते थे। CEO कौन है आप दोनों में? So अभी हमने CEO का designation लिया नहीं, I take all the scale नहीं था, although we are looking at it, because हमने recently मेरे brother को pull in किया है for fulfillment, जो 6 or 8 months में once he is ready, then I will take on the CEO role, so that he can take over all the operational roles. और आपका equity split क्या है? Same split है, 38.6, 38.6. तो बाकी किसके पास?
सो हमने लास्ट ईयर फंडिंग राउंड रेज किया था अपना पीसीडी से 25 crore प्री मनी पे, 5 crore का राउंड तब रेज किया था। कितने महीने हो गए? हमने सितंबर 2022 में रेज किया था। तो एक साल में 25 crores 80 crores बन गया। मैं बता रही हूँ कैसे। तो हमने 25 crore प्री मनी तब किया था। हमारा जो ट्रेलिंग रन वो था टर्नओवर 6.6 करोड़ का था उस टाइम पे। लास्ट ईयर हमने 10.3 करोड़ पे क्लोज किया है। और जो मेरा करंट एमआरआर है हमारा 1.2 करोड़ है। नेट रेवेन्यू, नेट ऑफ जीएसटी, नेट ऑफ रिटर्न। तो FY24 आप कितने में क्लोज कर? हम 18 करोड़ में टारगेट कर रहे हैं क्लोज करना। जो हम 15 करोड़ का राउंड रेज कर रहे हैं और जो हमारी आस्क इट्स अ पार्ट ऑफ दैट राउंड। मेरे पास 7 करोड़ के सॉफ्ट कमिटमेंट्स हैं। और बर्न कितना था लास्ट मंथ? बर्न हमारा पिछले महीने 10 लाख था, पर मैं आपको बर्न की भी पूरी स्टोरी बताऊंगी। ओह माय गॉड, 10 लाख रुपए बर्न पर मंथ इज ह्यूज। नहीं, उससे ज्यादा बर्न है, तो मैं आपको पूरा बर्न बता देती हूँ। फिर पहले साल जब हमने करा था, हमने 2 crore का टर्नओवर किया था, उसमें हमारे पास 4% हमने एबिटडा रखा था। व्हाट ईयर, व्हिच ईयर वाज दिस? 2019 2020 में 7% का एबिटडा था, तब हम 3.3 करोड़ के टर्नओवर पे थे। उसके बाद हमने 6.6 का टर्नओवर किया, तब हम 9% पे थे, अगेन पॉजिटिव। लास्ट ईयर जब हमने फंडिंग राउंड रेज किया, उसके बाद हमने बर्न करना शुरू किया। हमने लास्ट ईयर बर्न किया है 10.3 करोड़ के टर्नओवर के लिए 2.8 करोड़। That's a lot. और उसके बाद इस साल हमने अभी तक 7.3 करोड़ का टर्नओवर किया है। In 7 months? Till September. अच्छा, 6 months. Okay. August में थे, तब तक हम 1.7 करोड़ बर्न कर चुके थे। September में हमने 10 lakhs बर्न किया और ये मंथ अभी हम ब्रेक इवन पे ट्रैक कर रहे हैं October. कितनी बड़ी टीम है? हमारे पास 50 पीपल की टीम है, 50. हाँ जी। लेकिन टीम 50 लोग करते क्या है? आपको नहीं लगता For your size, ये टीम बहुत बड़ी है। ये टीम इसलिए थोड़ी बड़ी है क्योंकि हमने रिसेंटली ऑफलाइन स्टार्ट किया है। उसके अंदर हमारे पास 12 लोग ऑफलाइन में, और ऑफलाइन बहुत ह्यूमन रिसोर्स हैवी है। लास्ट मंथ आपने ऑफलाइन का परसेंटेज क्या था? 60-40 पे थे हम। और ऑफलाइन ऑनलाइन कौन से चैनल्स में बेचते हैं? सो ऑनलाइन में हम Amazon, Myntra, बाकी फर्स्ट क्राई, हॉपस्कॉच, अजियो, नायका, इन सब जगह पे। और ऑफलाइन के चैनल्स? ऑफलाइन जनरल ट्रेड चैनल से करते हैं, उसके अलावा SIS है और कुछ आर्मी कैंटीन्स का भी ट्राई करा है मॉडल। और जनरल ट्रेड में कितना कमीशन देती है? 48% का। 48% एंड क्रेडिट देते हैं? क्रेडिट हमारा ऑन पेपर 60 डेज है, लेकिन गोइंग टू 120 डेज राइट नाउ, बिकॉज़ जो हमने टोटल सेल्स करी उसमें 97 लाख की प्राइमरी सेल्स है, 30 की सेकेंडरी है, 8 की टर्शरी है। तो 30 और 8 वाला जो है वो तो पेमेंट साइकिल है सॉर्टेड की सेकेंडरी पर, टर्शरी पे तो शॉर्ट पेमेंट होता है। प्राइमरी सेल वो होती है जब मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करता है। सेकेंडरी सेल वो होती है जब डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को सेल करता है। और टर्शरी सेल वो होती है जब रिटेलर एंड कंज्यूमर को सेल करता है। मैं आपको ये बताती हूँ वानी, अगर आपने लास्ट ईयर 2.8 करोड़ बर्न किया है तो अक्टूबर में आप ब्रेक इवन करेंगे, वेरी हार्ड टू बिलीव है, क्योंकि जो आपने अपनी 97 लाख की प्राइमरी करी है, आप जो क्या बजट नहीं कर रही है उसमें आपका 20% रिटर्न आएगा। पर मैं आपको 97 नेट ऑफ रिटर्न्स बता रही हूं, नहीं अभी तक नहीं आया ना। मैं जब आप 120 डेज ऑफ क्रेडिट पे बैठी होती है, दैट इज एज गुड एज रिटर्न। तो ऑन एवरेज जो मेरा रिटर्न रेट चल रहा है ऑफलाइन में ब्रॉडली 30% फट करके राइट बिफोर द फाइनेंशियल ईयर इतना सारा माल वापस आ जाता है कि आपके सारे पहले के नंबर गलत हो जाते हैं। पर हम ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, बिकॉज़ हम उस पे अप्रिशिएट दैट, बट जो आप 10 करोड़ पे अगर आप माइनस 2.8 में है, कोई भी बिजनेस में उसको माइनस 20% से 0% 6 months में लाना विदाउट सिवियरली इम्पैक्टिंग बिजनेस। मैं आपको मैथ भी बता देती हूँ कैसे आया वो मैथ्स में ऑप्टिमिज्म है, इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। वी कैन क्लोज दिस कन्वर्सेशन एंड वी कैन गो बैक टू अमर। मेरे को तब से नाम खटक रहा है। अच्छा, आपको कैची नहीं लगा? खाली चीका नहीं अच्छा लग रहा था। इट्स नॉट वाव, मतलब हमें उसमें कुछ कैट वो नहीं लगा। ब्रो, आई थिंक ही इज राइट, चीका इज अ फैंटास्टिक नेम फॉर यू। अगर इंडिया में इट्स नॉट टेकिंग, एंड आपका लोगो भी काफी लाउड है, जेन अल्फा जो है वो और क्लीन की तरफ जा रही है फ्रॉम बीइंग लाउड। So far it's working, the kids are like, the kids, I shouldn't use the kids as a non-brand word. The thing about kids is that 11-year-olds don't think of themselves as kids. ये ना उसको देख के बोलेंगे अरे childish है। So what happened was, ये logo हमने actually 50 अलग-अलग teens को दिखाया, इसके 3-4 versions थे, और उसके basis पे फिर ये वाला logo में हमें सबसे ज़्यादा acceptance दिखी, हमें खुद को तो पसंद आया था। 15 साल की लड़की इसको बचकाना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। So, Vani, Richa, unfortunately, I want to be in.
बट आई डोंट थिंक माय मनी विल कम आउट. नहीं नहीं आएगा आपको, मैं और फिगर्स दे देती हूँ, आपको कन्विक्शन आ जाएगा. मेरे को आप पे कन्विक्शन नहीं आ रहा, सॉरी. मेरे को लग रहा है कि मैं और आप ना हम काम नहीं कर पाएंगे जब हम जाएंगे साथ, तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू बी आउट. I would have loved it अगर आप इन होते, because मेरी बेटी को आप बहुत पसंद हो, तो मैं एक बार autograph लेके जाऊंगी. उसने बोट के headphones खरीदे थे कि अमन गुप्ता की कंपनी है. वो अच्छी बात है, headphone खरीद कर. No no but thank you sir. ये मत करना कि आज out हो गया तो headphone नहीं खरीद रहे. वानी रिचा, मुझे कुछ communication dynamic ऐसा लग रहा है कि मैं I'm not able to put my finger on it. आप बोलती बहुत हैं, सुनती कम है. So is that a normal thing for you? Aap bataiye Richa. I think she's very confident with her numbers. And we feel we're doing it right. We just want to explain it to you. I understand, but you understand one thing. Aapke paas to already offers hai. You have soft commitments. हाँ जी. तो किस लिए आए हैं? हमें आपकी inputs मिलते हैं. उसके लिए सुनना पड़ेगा. Sorry अगर आपको ऐसा लगा तो. Very frankly. Again. Okay. अब समझते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा तजुर्बा है जो शायद आपकी जर्नी को एक्सेलरेट करे. डेफिनेटली. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, राइट, एंड आई वांटेड टू से इट अर्लियर आल्सो, लेकिन आप मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे. जो आप इन्वेंटरी का गेम खेल रही हैं, जो आप डिस्ट्रीब्यूशन का गेम खेल रहे हैं, यू आर गोइंग टू हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर. जब माल वापस आपके पास आके गिरेगा एंड योर नंबर्स विल नॉट मेक सेंस, राइट, बट यू हैव टू बी ओपन टू अंडरस्टैंड दैट. आप वो बात मानना ही नहीं चाहती, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती. मुझे वो बात नहीं लग रही है आज, सो आई एम आउट. Good luck. देखिए मुझे हमेशा Shark Tank में ये dilemma होता है कि categories जिसमें मुझे कोई interest नहीं, amazing founders होते हैं और मैं excited जाती हूँ. यहाँ उल्टा है, ये category मुझे बहुत मन है, पर मुझे अभी तक founders का समझ नहीं आ रहा है कि क्या नहीं ability to work होगा. क्या नहीं समझ में आ रहा है? आप सुनती नहीं हो, आप like, I listen, you know, you can listen. And I mean we can do this together. जैसे भी. नमिता आप बात करते हैं. मार्केट साइज ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में कितना बड़ा है? 36,000 करोड़ का विमेंस इनरवेयर का मार्केट है, लेकिन जो टीन्स का कंजम्पशन है अभी तक क्या विमेंस वेयर के मार्केट से होता रहा है, या फिर किड्स वेयर का जो 800 करोड़ का मार्केट है. नाउ अज्यूमिंग हमारे यहाँ पे जो देश में पॉपुलेशन है विमेन की 60 करोड़ है और टीन लड़कियों की 12 करोड़ है, तो अगर 20% की उनकी पॉपुलेशन है, हम कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी ले सिर्फ 10% का, तो एटलीस्ट 3600 करोड़ का मार्केट तो. वैसे बताइए आप, जॉकी में आपने बोला सबसे बड़ी ब्रांड है, वो करती है लाइन. हाँ जी. उनकी कितनी सेल है इस कैटेगरी में? जॉकी की सेल में नहीं निकाल पाई, बिकॉज उनके वो नंबर्स क्लियर नहीं थे कहीं पर भी ऑनलाइन. तो अमेज़न पे मिस जॉकी कितना बिकता है और अपना कितना बिकता है, दैट विल एटलीस्ट गिव आईडिया. अमेज़न पे जो गर्ल्स कैटेगरी है उसमें हमारा वी आर स्टैंडिंग ऑन थर्ड, फर्स्ट जॉकी है, सेकंड एनामर है, थर्ड जॉकी. कितना आपका मार्केट शेयर कितना? अमेज़न पे मेरा मार्केट शेयर इन द वुमेन्स कैटेगरी और गर्ल्स कैटेगरी कंबाइंड अगर मैं करूँ तो हम अबाउट 1% में है. पर अगर मैं गर्ल्स कैटेगरी की बात करूं उसमें मेरा शेयर अबाउट 10% है Amazon पे. मैं अनुमान लगाने की कोशिश करूं कि मार्केट ऑनलाइन कितना बड़ा है, वो अनुमान नहीं लगा पा रहा हूं आपके आंसर से. आज मैं बाहर होना चाहूंगा इससे, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द शो. विनीता एंड आई आर गिविंग यू एन ऑफर. जो हमें पसंद है आपके बिजनेस के बारे में इज द कैटेगरी. एजुकेशन पे भी फोकस करें, आई थिंक दैट्स फैबुलस, मच नीडेड. लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें पसंद नहीं है, राइट? नंबर वन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रिटर्न्स बहुत बड़ा चैलेंज है. हम जब पैसे डाल रहे हैं तो एटलीस्ट एज ऑफ नाउ बर्न है, विच इज अगेन अ वेरी रिस्की प्रोपोजिशन. मुझे नहीं लगता आप सुनती नहीं है इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज मैं भी सुनती नहीं. आई टॉक अ लॉट. बहुत अच्छा चले. दैट टू मी इज नॉट अ प्रॉब्लम. प्लीज इनवाइट मी टू दैट बोर्ड मीटिंग. बट दैट टू मी, हु विल लिसन? सो व्हाट वीड लाइक टू गिव यू इज 80 लाख फॉर 2.5% इक्विटी, व्हिच कम्स टू अबाउट 32 क्रोर्स. And royalty at 1%, given that you're breaking even, yeah, till we recover our 80 lakh. And Vani, category is exciting. And the thing about you that I like, I don't like the non-listing part, but jo kafi sari information aapne honestly boli hai, koi bhi yahan aake apne aap offline ka tertiary data nahi batata hai. Aur usme pata chalta hai ki aapko just too much enthusiasm, par aap honest ho, aap jhoot nahi bol. So, Namita, humne 1.75 जो ब्रिज राउंड रेस किया था हमने इन मार्च, आई अ कन्वर्टेबल वैल्यू, उसमें हमारा फ्लोर था 40 करोड़. तो मैं फ्लोर से नीचे जाना विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. वी आर विलिंग टू डू 80 लाख फॉर 2%, व्हिच बाय द वे इज वेरी जेनरस गिवन योर ऑफलाइन डायनेमिक्स, बट रॉयल्टी पे हम बज नहीं करेंगे.
रिचा आप डिसीजन लेना। डील पक्की। Well done, guys. Good work. This can become very big. We have to be super careful. We'll help you. I think this is a fabulous category. You guys look like your logo. Mani, what's your daughter's name? Devyani. Oh, you, thank you so much. Only she can open it. Aww. Just beautiful. Sweet guy. Thank you so much. You love it. Thank you. All the best. Sharks, मैं हूँ एक नया स्मार्टफोन, मुझे खरीदने के लिए लाइनें लगती है, मेरी इतनी डिमांड है। मैं भी सेम वही हूँ। चल झूठा। तू सेम कैसे? तू तो एक सेकंड हैंड फोन है। भाई, मैं कोई सेकंड हैंड या ओल्ड डिवाइस नहीं, मैं एक रिफर्बिश्ड डिवाइस हूँ। जिस तरीके से पुराने घर को रेनोवेट करते हैं, उसी तरीके से मैं भी फुल्ली रेनोवेट होकर के बनाऊं। चल चल, तुझ पे कौन भरोसा करेगा? Guess what? मैं ना वारंटी के साथ भी आता हूँ। अच्छा? और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इतना अफोर्डेबल हूँ कि मुझे खरीदने के लिए किडनी बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, हाँ जी, फिर तो भाई तू सेम है। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ अवनीत। और मैं हूँ साकेत। हम है फाउंडर्स रीफिट के। हम दिल्ली से हैं और हम पुराने फोन्स को रिफर्बिश करके नए वारंटी के साथ बेचते हैं। शार्क्स, जब भी कोई कस्टमर नया फोन खरीदता है, वो पुराने फोन को एक्सचेंज करता है। हम यही एक्सचेंज दिए हुए फोन बड़े प्लेटफॉर्म लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन और रिटेल ब्रांड स्टोर से प्रोक्योर करते हैं। हमारा इन हाउस डायग्नोस्टिक ऐप है जो हर एक फोन को 47 पैरामीटर्स पे चेक करता है। उसी रिपोर्ट के आधार पे हम हर एक फोन को रिफर्बिश करते हैं और उसको नए जैसा बनाते हैं। शार्क्स, हमने रिफिट शुरू करी साल 2017 में। हम अब तक 15 लाख से भी ज्यादा डिवाइसेस बेच चुके हैं। कंज्यूमर डिमांड को देखते हुए हमने हाल ही में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म refitglobal.com भी लॉन्च करा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा ऑफलाइन मॉडल एक जीरो डेड स्टॉक मॉडल पे बेस्ड है। रिफर्बिश मार्केट हाईली अनऑर्गेनाइज मार्केट है। यहाँ पर गिने चुने ही ब्रांडेड प्लेयर्स हैं। हमारा विजन है कि हम रिफर्बिश मार्केट में वन स्टॉप डेस्टिनेशन बने कंज्यूमर के लिए फॉर एवरी रिफर्बिश प्रोडक्ट। और इसी के लिए हमारी आस्क है 2 करोड़ इन एक्सचेंज ऑफ 0.5% ऑफ आवर। व्हाट? भाई एक बात बताओ यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो गली गली में होता है, नुक्कड़ नुक्कड़ में होता है। लोग फोन उठाते हैं पुराने, ठीक है, रिफर्बिश करते हैं और बेचते हैं। सही चीज क्या है जो आप में अलग है दूसरों से? वो लोग रिफर्बिश नहीं करते सर, वो लोग उसको रिपेयर करते हैं। उसको सेकंड हैंड की ही डेफिनेशन में मार्क होता है। रिफर्बिश मींस कि आपने हर एक डिवाइस को एक उसके ऑथेंटिकेटेड पार्ट के साथ रिप्लेस किया है। उसको आपने डबल टेस्ट किया है बिफोर रनिंग अ ऐप, कि जब आपके पास एक्स कंडीशन में आया जैसे बिफोर वाला है, तब एक रन होगा, जब उस पर रिपेयरिंग हो जाएगी उसके बाद सेकेंडली वापस से री रन करते हैं हम ऐप को टेस्ट करने के लिए। और उसके साथ हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, हम मतलब कारगिल से लेके कॉम्बिटूर इवन सेवन सिस्टर में भी प्रेजेंट है, कि उतना पेनिट्रेशन लेवल पे इतने लार्ज वॉल्यूम पे कोई नहीं कर रहा। पर ऐसे प्लेयर्स हैं और कैशिफाई। आपने 15 लाख बताया, राइट? 15 लाख फोन्स तो फोन्स के हिसाब से बताइए कि कैशिफाई के कितने हैं? इन टर्म्स ऑफ नंबर दे आर 3 times। तो वो आपसे बड़े हैं? नहीं। उसके में और आप में फर्क क्या है? सो बेसिकली हमने जब शुरू करा था, वी वेर 100% फोकस्ड ऑफलाइन। जिस वॉल्यूम पे हम करते उस वॉल्यूम पे ऑफलाइन चैनल में देर आर नो प्लेयर्स। एज ऑफ नाउ ये इंडस्ट्री, ओवरऑल इंडस्ट्री $5 billion की है, एंड वी आर दिस एंटायर ओवरऑल इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट 19%। टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कितनी? 25-30 billion की होगी। 25 billion dollar की तो स्मार्टफोन की इंडस्ट्री है। उसमें से आप बोल रहे हो 20%, दैट इज 5 billion। जितना स्मार्टफोन का मार्केट है उसका 10% इज रिफर्बिश्ड। 2.5 billion, नॉट 5 billion। नहीं, बिकॉज ये 3 साल पहले की रिपोर्ट के हिसाब से बढ़ गया थोड़ा, आप बोल रहे कंपाउंड हो गया, ठीक है। अच्छा, लेट्स गेट टू द पॉइंट। ये 400 करोड़ वैल्यूएशन का मैजिक क्या है? क्या है सेल्स आपके?
लास्ट ईयर वी डिड 187 करोड़ का बिजनेस। अगर हम बात करें B2R चैनल की, वहाँ पर हमारा ग्रॉस मार्जिन 14% है। B2R क्या भाई? बिजनेस टू रिटेल, बिजनेस टू, जो हम रिटेल स्टोर्स पे एंड डिस्ट्रीब्यूटर आता है बीच में कि डायरेक्ट बेचते हैं? डायरेक्टली जब रिटेलर को हम बेचते हैं तो हमारा 14% का मार्जिन है। एवरेज सेलिंग प्राइस कितना? 7,000। आपका लास्ट मंथ का बिजनेस कितना था? 35 ईयर। उसमें से कितना घर में कितना पैसा बचा? 95 लाख रुपए। तो मतलब आप प्रॉफिटेबल हैं? 3% प्रॉफिट। And are you bootstrapped or you funded? Bootstrapped, 100%. Last year आपने financial returns में कितना profit file किया? हमारा PAT हमने 1.08% file किया. On 187 crores. Sales. Yes. Correct. PAT यानी कि profit after tax, company के sales में से सारे खर्चे and taxes निकालने के बाद जो profit आता है, उसे बोलते हैं. ये हम देखते हैं company actually कितना profit कर रही है, वो परखने के लिए. अब पैट में जब हम इंटरेस्ट, इनकम टैक्स, डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को ऐड बैक करते हैं तो हमारा इबिट्टा आता है, और इबिट्टा हम देखते हैं कंपनी ऑपरेशनली कैसा परफॉर्म कर रही है वो देखने के लिए. 2 करोड़ का पैट था आपका, 170 करोड़ की सेल पे तो 1.5% का प्रॉफिट हुआ अप्रोक्सीमेट. हाँ, मोटा मोटा 1.67. अरे एक सेकंड, आपका पिछले साल की सेल थी 187 करोड़. करेक्ट. आपका प्रॉफिट था 1.08. वैल्यू कुछ 3.5-4 करोड़ का प्रॉफिट था. 3.5-4 करोड़ कुछ आफ्टर डिस्काउंटिंग है ना. नंबर ऐड नहीं हो रहा, नंबर ही अलग अलग. 2 करोड़ से कम होगा पैट. अप ईबिटा परसेंट नहीं, वैल्यू में कितना था? वैल्यू दैट आई हैव टू कैलकुलेट. 1.187 का 1.67. 2.7 CR के आसपास. हाँ जी. 2.7 crores EBITDA on 187 crores sales. और PAT अराउंड 1 crore था. 1.92 crores आपका PAT. मोटा मोटा बोल. करेक्ट. ओके. और आपने लोन नहीं उठाया हुआ है क्या कोई? लोन से तो फिर आपका EBITDA टू PAT इतना कम नहीं हो सकता, क्योंकि EBITDA के बाद आता है आपका इंटरेस्ट कॉस्ट, टैक्स दिया आपने गवर्नमेंट को, पिछले साल मैंने कितना सेल करी, कितना कमाया, मैं आउट हूँ. कभी भी कोई एंटरप्रेन्योर और स्पेशली आप पिच करने आए तो नंबर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. 10 नंबर होते हैं टोटल. एक तो इंडस्ट्री के नंबर पूछा, आपको थोड़ा सा आई थिंक कंफ्यूज हो गए. फिर आपसे सेल नंबर पूछा, थोड़ा वहाँ पे भी, थोड़ा प्रॉफिट नंबर पूछा वहाँ भी. अभी तक नंबर्स कंफ्यूजन हो रही है. आप लोग अभी थोड़ा और प्रिपेयर करके आते तो मेरे लिए थोड़ा और कॉन्फिडेंस होता कि मैं और डीपर जाता हूँ. मैं आपको बताती हूँ मुझे कहाँ प्रॉब्लम है. ये जो रिपेयरिंग वर्सेस रिफर्बिशिंग का जो कॉन्सेप्ट है, राइट, वो आपको एंड कस्टमर को ठीक से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और इवन एन इन्वेस्टर को, क्योंकि उसमें काफी कंफ्यूजन था. सेकंड, जैसे अमन ने बताया, फाइनेंशियल्स टॉप ऑफ द माइंड होने चाहिए. EBITDA और PAT इतने बेसिक नंबर्स है कि आपको मेमोराइज होना चाहिए. एंड सो फॉर दीज रीजंस आई एम आउट. भाई मेरे एक दो सवाल है. ये मार्केट आपने कहा आज है 2.5-3 बिलियन, ठीक है, 5 बिलियन बोला, 40,000 करोड़, ठीक है, refurbish, not repair. Refurbish, yes. Refurbish. Two of the biggest players. उनका दोनों का मिला के धंधा है 1,000 करोड़, 1500 पकड़ लेते हैं, तो बाकी 38,000 करोड़ गए कहाँ? अनुपम, जैसे आपने कहा था ना कि जो छोटे छोटे चैनल पे, हमने तभी स्टार्टिंग में बताया कि बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड 50% ऑफ द मार्केट इज स्टिल अनऑर्गेनाइज्ड. हम वही, हां मतलब वही बोल रहा हूं, मोर देन 80% 90% मार्केट इज स्टिल अनऑर्गेनाइज्ड. एंड में आपको क्या लगता है कितने प्लेयर बचेंगे जो 7-10 years डाउन द लाइन जो हम देख पा रहे हैं कि द बिग ब्रांड्स विल डायरेक्टली कम इनटू दिस रिफर्बिश्ड इंडस्ट्री, वो खुद से रिफर्बिश करके फोन्स जो है वो बेचेंगे. तो आपका बिजनेस नहीं बचेगा कि आप बेच दोगे? नहीं, ऐसा नहीं है. ऐसा मतलब नहीं, हम अगर उस समय तक हम इतना वैल्यू ऐड कर लेंगे 10 साल तक तो हमारे तो उनके लिए क्या पता हम लोग ही रिफर्बिश. हाउ बिग इज योर नेक्स्ट बिगेस्ट कंपटीटर? 80-85 CR. एंड ये रिफिट इवेंचुअली आपको क्या लगता है 4-5 साल में आप अदर गैजेट्स करेंगे कि इस फोन में ही? अभी तक हम फोन पे ही कंसंट्रेट करना चाहते हैं इसको. पहले 5 साल में क्या होगा? 5 साल के बाद
वी कीप ऑन ग्रोइंग अप, ट्रस्ट बनाएंगे इसको, वन प्लेस डेस्टिनेशन बनाएंगे आगे जाके। लेकिन अभी के लिए वन प्लेस फॉर अदर गैजेट्स, अदर गैजेट में हम अभी तक के लिए मोबाइल से हमारा फोकस रहेगा। आपका लोन कितना है? अभी हमारा NBFC का 2.5 CR का लोन रनिंग है। तो कितना इंटरेस्ट बढ़ते हो महीने का? तो हमारा 14-16% तक वेरी करता है। 30 लाख। हाँ, और उसके अलावा हमारा जो ओडी है वो सिक्योर्ड ओडी है, उस पर हमें एक्सपोजर मिला हुआ है। चलिए, आप कह रहे थे नंबर्स वगैरह नहीं आते, मुझे लगता है कि आपको नंबर्स पता है। आई थिंक यू आर अ लिटिल कंफ्यूज्ड, राइट? राइट, मैं आपको एक ऑफर देता हूं, सुनना ध्यान से, इसमें एक दो कंडीशन है। अमित आप भी सुनो। क्यों अमित? अमित ऑफर तो मान दे रहे हो, उनको सुनना चाहिए। अमित को लेके कंडीशन है। अमित को लेके तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ अमित जॉइंस, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस है, हाँ फोन्स में नहीं है, बट ही अंडरस्टैंड्स रिफर्बिशिंग कार्स, ही अंडरस्टैंड्स उसमें क्या जाता है, कंसेप्चुअली सिमिलर। सो इफ ही जॉइंस, 2 करोड़ आपने मांगा था, 2 करोड़ देते, लेकिन हर फोन में 100 रुपए की रॉयल्टी लूंगा। That's not much. आपने कहा आप 7,000 रुपए का एक फोन बेच रहे हो, 100 रुपए का रॉयल्टी कुछ खास नहीं। It's not, it's 1.5% until हमारे 2x बन जाते, ठीक है? तो 4 करोड़ जब बन जाएंगे, you are off the hook on royalty. उसके बाद equity 1% ही लेंगे आपके बिजनेस में, 0.5% for each. ठीक है, I think अनुपम का जो डील है मैं ज्वाइन करूंगा उसको। So you have an offer, guys. इसमें ब्रांड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पर 14% ग्रॉस मार्जिन में, फॉरगेट नेट मार्जिन जो भी हो, पर 14% ग्रॉस मार्जिन में ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल होता है। हैविंग सेड दैट, ये जो डील है ये बहुत स्वीट है। स्वीट किसके लिए? शार्क्स के लिए। सो आई थिंक जो अनुपम एंड अमित की डील है, सेम टर्म्स, 1.5% रॉयल्टी ऑन योर एनुअल सेल्स, एंड उसपे टिल मेरा जो 2 करोड़ मैं आपको दूंगी उसका 4 करोड़, विच इज 2x रिटर्न हो जाता है, एंड इक्विटी विल बी जो आपने मांगी थी, विच इज 0.5%। ट्वाइस इज गुड डील। असली शार्क। भाई इसने हमारी डील लेके इसको डिस्काउंट कर दी। आपकी 0.5% इक्विटी आपके दिमाग में वो 400 करोड़, तो मैंने आपको 400 करोड़ बेटर डील दी है। कोई रीजन है कि मैंने कहा अमित रहेंगे साथ में? बिकॉज ही इज गॉट एक्सपर्टीज इन दिस एरिया। पर आपको बैठ के तो जयपुर जाना पड़ेगा एक्सपर्टीज लेने के लिए। ये जो रॉयल्टी वाली चीज है, हम इसको किसी और तरीके से कांट बी रिप्लेस इट। बताइए, आप बताइए, काउंटर कीजिए ना। या गिव अस 2 मिनट, वी जस्ट गो एंड आउट, कम बैक विद द काउंटर। आई एम लाइकिंग दिस न्यू फाउंड फ्रेंडशिप। शाग, हमारा काउंटर ऑफर है। किसके लिए काउंटर ऑफर? आप तीनों के लिए। तीनों के लिए। चलिए, आप रॉयल्टी वाला पार्ट जो है उसको हटा दीजिए और हमारे को 1% इक्विटी आप हमारे को दे दियो फॉर 2 साल। दूसरा ऑफर है, आप हमें 1 करोड़ का डेट दे दीजिए और 1 करोड़ एज एन इक्विटी लीजिए फॉर 0.5%। उसके लिए 0.5%। और अगर आप तीनों आ जाएंगे तो हमारे लिए और भी बेटर होगा। चलो एक ऑफर थोड़ा काउंटर मैं भी दे देता हूँ। चलो अनुपम, अगर माने तो हमने बोला कि हमारे को फोन पे 100 रुपए चाहिए, 70 रुपए कर देना, 70 रुपए रॉयल्टी पर फोन। 70 रुपया 1% हुआ भाई। आपको रॉयल्टी नहीं देनी? रॉयल्टी नहीं। रॉयल्टी क्यों नहीं? आप बिजनेसमैन हो कि नहीं? बिल्कुल है। आपको मिल रहा है 2 करोड़ रुपया, जो आपने मुझे कहा कि 16% आप मार्केट पे इंटरेस्ट देते हो, है ना? एक सेकंड रुकिए, ये वही बात आ जाती है जो अमन पहले कह रहा था। आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड बिजनेस। अगर आप 2 करोड़ रुपया जाके मार्केट से आज उठाते हो तो कितना हुआ 15%? 2 करोड़ पे जरा समझाइए। 30 लाख। 30 लाख। हमने मांगा 70 रुपये। 70 रुपये के हिसाब से आप दोगे महीने का एट योर करंट स्केल लेस देन 25 लाख, एंड ओनली इफ यू हैव सेल, यू आर सेलिंग दैट मच। अगर कम सेल होगा तो आप कम दोगे, लेकिन आप 2 करोड़ का अगर लोन लेते हो तो आपको तो महीने के देने ही है। नहीं, आपने हमसे बोला 4 करोड़ तक हमें रॉयल्टी देनी है, इधर मैं 2 करोड़ का लोन। जब प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिला लेते हो वो 4 करोड़ ही होता है। आप अपनी मैथ करो।
भाई आप इक्विटी देने कैसे आ गए जब आपको 2x नहीं बनाना है अपने इन्वेस्टर के लिए? राइट नाउ हम तीनों में से कोई भी जीरो रॉयल्टी पे तो नहीं आएगा एंड आई थिंक वो आपका एक कट ऑफ लग रहा है, तो आई थिंक आज ये डील नहीं हो पाएगी। सॉरी शख्स, हम रॉयल्टी वाले डील में और हम रॉयल्टी के बिना करेंगे नहीं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू शो। प्रॉब्लम कहाँ है? 2 का 4 करने में प्रॉब्लम है, परसेंटेज में प्रॉब्लम है, माइंडसेट इशू लग रहा है। फ्रिक्शन क्या? फ्रिक्शन क्या? नो ब्रेन ऑफ समझ में आ जाए तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, मेरा प्रॉब्लम समझोगे? दोनों 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 चीज है कि एक तो वो 2 का 4 नहीं होना चाहिए आपको लग रहा है, वो भी है प्लस द अमाउंट आल्सो इज एक और चेंज दे दो अगर अनुपम भी माने तो 2 का 4 मत करो, 2 का 3 कर लो। देखिए 30-30 लाख करके अगर तुम इंटरेस्ट भी देते हो 3 साल में 1 करोड़ रुपए इंटरेस्ट ही आती है। I'm okay with this deal, 2 का 3 ठीक है अगर तीनों को करना है। Yeah, maybe all 3 can join. हमने ऑफर किया है आपको 2 करोड़ रुपए फॉर 1% रॉयल्टी ऑफ योर सेल्स प्लस 1% इक्विटी फॉर ऑल 3 और इस डील में आएंगे अमित, विनीता और मैं। आपको जवाब देना आपको मंजूर है? 3 करोड़ हो जाएगा आपकी डील। हे भगवान, कांग्रेचुलेशंस। हेलो शॉक्स। हेलो। हाय। हेलो। इतना उजाला क्यों है? थोड़ी बत्तियां धीमी कर दे और मुझे फॉलो कीजिए। अपना हाथ अपने दिल पे कुछ इस तरह रखें, एक डीप इनहेल करें और सीलिंग की तरफ देखिए। सीलिंग पे अपने लवर का फेस इमेजिन कीजिए, वो लवर जिससे आपकी शादी नहीं हुई है। और 3 बार मेरे साथ वाव कहें। वाव, 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 वाव। अब आंखें बंद करें, एक्सहेल करें और रिलैक्स करें। थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी विद अ वाव। आप पिच करने आए हैं कि हमारा घर तोड़ना है? बोटॉक्स और फिलर्स की इस दुनिया को डिसरप्ट करने मैं आ गई हूँ लेके अपने नेचुरल स्किन सॉल्यूशंस। कहते हैं मुझे इंडिया की फेस योगा क्वीन, बिकॉज माय टेक्निक्स विल डेफिनेटली गेट ऑल ऑफ अस सीन। नाम है मेरा विभूति अरोरा और मैं हूँ फाउंडर ऑफ हाउस ऑफ ब्यूटी इंडिया। हमारे स्किन सॉल्यूशंस नेचुरल है, नॉन इन्वेजिव है और डायरेक्ट अल्टरनेटिव्स है टू प्लास्टिक सर्जरी। आज हमारे पास 100+ नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, 30+ फेस योगा बेस्ड फेशियल्स है एंड 150 फेस योगा टीचर्स हैं सर्टिफाइड बाय मी पर्सनली ग्लोबली। मेरी इस होलिस्टिक विजन को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे मांग रही हूँ 1.5 करोड़ रुपए फॉर 5% इक्विटी। तो समय को थमा सके ना सके बताएं शॉक्स, इंडिया को इनसाइड आउट ग्लो करने में क्या आप मेरे साथ हैं? विभूति, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 3। थैंक यू। वेरी कॉन्फिडेंट पिच, तो ये लग रहा है कि आप ये काफी साल से कर रही हैं। सर, फेस योगा मैं 10 साल से कर रही हूँ। I did not always look the way I did. Seriously? 2014 तक मुझे पता चला कि I have an autoimmune skin condition जिसका नाम है lupus. So अगर आपने psoriasis, eczema, rosacea के बारे में सुना है, lupus उसका extreme version है। ये आप हैं? जी बिल्कुल। चारों आप हैं? चारों मैं हूँ। My God. Really? लेकिन साथ साथ में वजन भी कम किया आपने। सर, मैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से सर्टिफाइड टीचर इवेल्यूएटर योगी भी हूँ। अच्छा जी, अच्छा।
मैं तो बहुत योगा फॉलो करती हूँ, फेस योगा के बहुत वीडियोस हैं ऑनलाइन, तो इसके लिए हमें आपके क्लासेस लेने की क्या जरूरत है, आप क्या अलग करवाएंगी? नमिता जी, पहले तो जो आप वीडियोस देखते हैं फेस योगा के, 90% ऑफ देम आर सर्टिफाइड बाय मी। मैंने इंस्टीट्यूट क्रिएट कर दिया फेस योगा स्कूल के नाम से। oh, wow. आज हमारी 1.5 मिलियन से ज्यादा डिजिटल रीच है, एंड कॉम्पिटिशन की तरह मैं नहीं देखती, मैं सिनर्जी की तरह देखती हूँ। तो आपका की फोकस योगा पे ही है केवल, या सीरम्स और ऑयल्स आपने ये सब जो लिखे हैं? फेस योगा करने के लिए हमें सीरम्स एंड ऑयल्स की बहुत जरूरत है, बिकॉज अगर आप फेस योगा ऑयल्स के बिना करेंगे, आप अपनी स्किन को स्ट्रेच कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं। उसके अलावा हम फेस योगा फेशियल्स भी करते हैं मेरे दिल्ली वाले सेंटर में। ये सेंटर सलोन है? नहीं सर, ये एक वेलनेस सेंटर है न्यू दिल्ली में, जहाँ पे हम 30+ फेस योगा बेस्ड फेशियल्स, जो मैं हाथों की खुद करने के लिए टेक्निक सिखाती हूँ, वो हम सेंटर में भी करते हैं। सो आप ऑनलाइन मेरी ऐप पे कर सकते हैं, आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हमारे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप चार्ज करती हैं? हाँ जी, 12 क्लासेस हम देते हैं 2999, 3000 रुपए। ये आपका सिग्नेचर मूव है? ये मेरा सिग्नेचर मूव है। सिग्नेचर मेरी एक मसाज है, जिसका नाम मैंने, इट्स अ कॉपीराइट मसाज, मैंने उसका नाम रखा है विभूति। आप प्रोडक्ट्स दिखाएंगी? So I'm going to offer you my double chin corrector, the first product. I know, but hey, dude, मेरी तो बहुत अच्छी jawline है। अनुपम जी, आपके लिए पहले तो मेरा favorite hair perfume. Oh, hair. ये products में मतलब ऐसा sticker चिपका के and ingredients भी नहीं mentioned है। आप सारा प्रोसेस फॉलो कर रही हैं, FDA रजिस्ट्रेशन? वी आर FDA सर्टिफाइड एंड CE सर्टिफाइड। आपके पास जो प्रोडक्ट है, ये सिर्फ बॉटल है, इसकी आउटर पैकेजिंग में सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे लोगोस, सारी MRPs लीगल मेट्रोलॉजी के हिसाब से। बट लीगल मेट्रोलॉजी में 10 ml प्लस में प्रोडक्ट पे भी लिखना पड़ता है। नाउ दैट आई हैव योर फीडबैक, आई विल इम्प्रोवाइज। माय फीडबैक इज कि आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग बहुत डिसअपॉइंटिंग है कंपेयर्ड टू द एवरीथिंग एल्स अराउंड द ब्रांड। अच्छा, आप फेशियल दिखाएंगी मुझे, एंटी एजिंग फेशियल? तो ये मेरा सेलिब्रिटी फेवरेट टूल है। नीचे से आप इसको ट्विस्ट करेंगी तो 6000 माइक्रो वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगी। आप इसको लेंगे, आंखों के नीचे अपने फर्स्ट पॉइंट पे रखेंगे, अपनी माइक्रो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब होने देंगे, मैक्सिमम पफिनेस पॉइंट जो आंख के नीचे है वहां प्रेस करेंगे, फिर अपने टेम्पल्स पे प्रेस करेंगे, स्वाइप करेंगे, लिफ्ट करेंगे, ड्रेन करेंगे। ये जो मैंने किया 2-3 बार, वो करने के बाद यहाँ जो एक टिंगलिंग फ्रेश सेंसेशन आया, आई कैन फील इट, सो इट्स डेफिनेटली वर्किंग। ये आपकी खुद की कंपनी है, इसमें कोई और इन्वेस्टर वगैरह नहीं है? इट इज 100% ओन बाय मी। मैंने शेयर होल्डर अग्रीमेंट के लिए एक शेयर अपने हस्बैंड को दिया हुआ है। विभूति, आपके पास दो रेवेन्यू मॉडल है? 3। ओके, एक इज फेस योगा, जो आपके पास 150 फेस योगा टीचर्स है। सेकेंड इज आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स। थर्ड इज द सेंटर, राइट? द सेंटर। तो आप बताइए, पहले तो आपका सेल्स क्या है और तीनों का स्प्लिट क्या है? मेरा लास्ट ईयर का रेवेन्यू वाज जस्ट शॉर्ट ऑफ 5 crore। उसमें से मेरे वेबसाइट से 46% आया। 46% फ्रॉम प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग, या 36% मार्केट प्लेसेस से आया, और बैलेंस मेरा फेस योगा और फेस योगा सेंटर से आया। ये आपका जो प्रोडक्ट बिजनेस है, विच जनरेट्स 82% ऑफ योर रेवेन्यू, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है क्योंकि आपका ज्यादा ध्यान सर्विसेज की ओर लगा हुआ। व्हाइल इट इज गुड इन द लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में यू विल लूज इवन दिस बिजनेस अगर फोकस वहां बना रहा। आई न्यू यू विल आस्क मी दिस क्वेश्चन। ये एक स्ट्रेटेजिक कॉल था हमारे लिए पिछले साल। हमने सोचना था कि हम मार्केटिंग में इन्वेस्ट करें या अपने फिजिकल स्पेस में इन्वेस्ट करें, बिकॉज मैं एक एक्सपीरियंस बेच रही हूँ, सिर्फ फेस योगा की एजुकेशन नहीं बेच रही, इसीलिए हमने वो कॉल लिया था इंटरनल। In this for the short term, तो फिर मैं हर D2C ब्रांड की तरह एक मार्केटिंग पे एड स्पेंड करके वॉल्यूम गेम खेल रही होती,
आई एम हियर फॉर द लॉन्ग टर्म. आई वॉन्ट टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस. जो मैंने वेलनेस सेंटर भी खोला है वहाँ भी काफी एनर्जी जाती है. And that is why I am adding and stitching it together. Well said. So, आपका community is long-term brand building के लिए. Vibhuti, let's cut to the chase. Face yoga एक आपका एक sort of branding strategy हो सकता है, but your bread and butter is products. इसमें क्या अलग है? I would say I am the biggest differentiator. नहीं, आप एक person तो differentiator नहीं बन सकता है. Product में क्या अलग है? Ingredients अलग है. क्या क्या अलग है? रेवनेज जैसे एक इंग्रेडिएंट है जो आज रेटिनॉल का डायरेक्ट अल्टरनेटिव है प्लांट बेस्ड. लोगों को रेटिनॉल से फोटो सेंसिटिविटी होती है, स्किन कैंसर भी होता है. पर वो तो बकुचियोल भी है ना, सारे आधे से आधे बकुचियोल रेटिनॉल के नीचे आता है. सो मेरी जो कोलेजन क्रीम है, अफोर्डेबिलिटी बनाने के लिए हमारे पास ऑर्गेनिक रेवनेज भी है और फिर बकुची ऑयल भी है. आप अकेली है इंडिया में जिसके पास रेवनेज है? आज मैं अकेली. अकेली? हाँ जी. एंड व्हाट परसेंट ऑफ योर सेल्स इज दैट प्रोडक्ट? So about 5% of my sales comes from that product. 25 lakhs. Itna agar revolutionary hai as an alternative to retinol and aapka first mover advantage hai and you are the only one in India doing this, so then why only 25 lakhs of sales? It should have killed the market. इसी से मुझे यू नो एक शक पैदा होता है कि आप में कुछ डिफरेंशिएटर है कि नहीं. अगर सचमुच डिफरेंशिएटर होता तो आपका प्रोडक्ट 25 लाख का नहीं होता. एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट टुडे. थैंक यू. आई थिंक यू ऑल वांट टू अंडरस्टैंड, आप अपना ऑर्गेनिक सेल्स वर्सेस पेड सेल्स और रिपीट रेट बता दो, उससे समझ में आ जाएगा आपका प्रोडक्ट कितना भारी है. 4 लाख हम इन्वेस्ट करते हैं इन पेड सेल हर महीने, इन पेड सेल मार्केटिंग. बाकी ये ब्रांड बना ही ऑर्गेनिक है. एंड हमारे क्लाइंट्स की स्टिकीनेस या कोहॉर्ट इज अबाउट 30% ओवरऑल एंड अबाउट 6% ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस. कम है बहुत, मतलब कोई भी हर महीने नेक्स्ट मंथ में 6% लोग वापस आए, लाइफ टाइम में 30% आए, है ना? हाँ जी. हाँ, तो ये स्किन केयर ब्रांड्स का जैसे फेस वॉश होते हैं 10-12% होता है M1 मंथ वन का रिपीट, एंड 12 लाइफ टाइम तो मतलब 60% प्लस होना चाहिए. प्रोडक्ट इफेक्टिव है वो मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ. स्किन केयर में जैसे ही अगर इफेक्टिव हो जाता है प्रोडक्ट, पीपल स्टार्ट यूजिंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस. मैंने पढ़े नहीं नंबर्स, मैं पढ़ के जरूर आपके प्रॉफिट आपके प्रॉफिट क्या है लास्ट मंथ का प्रॉफिट क्या है? लास्ट मंथ मैंने 40 लाख की सेल्स की और प्रॉफिट माय एबिटा इज एट 10%. और अभी यहां तक पहुंच गए टॉप लाइन और बॉटम लाइन 4 लाख, इसका बीच का भी हिसाब बता दीजिए, समझ में आ जाएगा आपको नंबर से कितनी दोस्ती है. 30% मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके. 20% मेरी एडमिन कॉस्ट है, 25% मेरी सैलरीज है, 15% मेरे ओवरहेड्स है एंड बैलेंस इज माय प्रॉफिट. विभूति, डेफिनेटली प्रोडक्ट में कुछ काम हो सकता है, लोगो से लेकर पैकेजिंग से लेकर इंग्रेडिएंट स्टोरी तक. आप उस पे काम कीजिए एंड देन आप मोर इन्वेस्टेबल होंगी. बेस्ट ऑफ लक, आई एम आउट. 10% EBITDA इस बिजनेस में बनाना अच्छे अच्छों के बस की बात नहीं है. फॉर नाउ आई एम आउट बिकॉज मुझे अभी थोड़ा सा आपके बिजनेसेस को अभी आप दो डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, और अभी अगर वो प्योर प्ले ड्यूटी D2C बन जाएगा 1-1.5 साल में 2 साल में, सर्विसेज बिजनेस में ज़्यादा मेरे को अभी इंटरेस्ट नहीं है. बट जब ये थोड़ा D2C की तरफ जाएगा और थोड़ा आपका स्केल आना शुरू होगा ना, देन प्रोबेबली यू शुड कम बैक इन सीजन 4. बट फॉर नाउ अनफॉर्चुनेटली आई एम आउट. आप बहुत कॉन्फिडेंट लगे और काफ़ी अच्छे से आपने हैंडल किया सबके आंसर्स को. मेरे को जो कन्विक्शन नहीं आया वो था कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, 10x बेटर कैसे है, क्योंकि मैं उन कंपनीज में डालना चाहता हूँ जहाँ मेरे को लगे कि केवल मार्केटिंग की कंपनी नहीं, प्रोडक्ट सॉलिड है. राइट, एंड दैट्स वेयर आई हैव प्रॉब्लम मिस द लिंक, इसलिए मैं आज बाहर हूँ. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. आई डोंट थिंक यू कैन ग्रो दिस बिजनेस बाय फोकसिंग ऑन सर्विसेज एंड फ्रेंचाइजिंग. आपको प्रोडक्ट पे ही फोकस लाना पड़ेगा. इस वजह से मैं आउट हूँ. थैंक यू सो मच. गुड लक. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. और आज हमारे साथ आर्थशार्क में जुड़ रहे हैं ऐसे शख्स जिन्होंने गाड़ियों को हर घर तक पहुंचाया है, CEO एंड co-founder ऑफ कार देखो ग्रुप मिस्टर अमित जैन. सर वेलकम. थैंक यू सर. सर लुकिंग डैशिंग एज ऑलवेज सर. थैंक यू सो मच. एंड यू आर लुकिंग डैशिंग टू एज ऑलवेज सर. रविंद्र सिंह भोपाल से आपके लिए एक सवाल लेके आए हैं कि अमित जी, लॉस मेकिंग कंपनी में कौन पैसे डालता है? जब इतना बर्न हो तो लोग इन्वेस्ट ही क्यों करते हैं? लॉस मेकिंग कंपनी जो होती है उसका लॉस किस टाइप का है वो इम्पोर्टेंट है.
कभी कभी ये होता है, शुरू में आप ब्रांड के लिए खर्चा कर रहे होते हो, फिर जब आपका प्रोडक्ट लोग चख लेते हैं, उनको मजा आता है, तो वो आपको बिना मार्केटिंग के खर्चे के रिपीट करते हैं, तो कई बार ब्रांड इन्वेस्टमेंट पहले करने पड़ते हैं। तो बर्न अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर आप देखोगे, मैं यूनिट इकोनॉमिक्स में बहुत जाता हूँ, यही समझने के लिए कि बर्न कहाँ हो रहा है और बिजनेस आगे सस्टेनेबल है कि नहीं। अगर मार्केट बड़ा है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो अपना स्थान बना लेता है वो। तो अपने को बहुत ज़रूरी कि हर ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं, और अगर वो आ रहा है तो स्केल पे वो जो बर्न है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा जब स्केल हो जाएगा। तो स्केल के लिए थोड़ा पैसा शुरू में डालना पड़ सकता है। सर आप सर शार्क तो नहीं हैं, आप जौहरी हैं सर। आप जो परख लेते हैं ना हीरा बहुत दूर से, यूनिट इकोनॉमिक्स तक जाके। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर आंसर सर। थैंक यू रविंदर जी फॉर योर क्वेश्चन। और बाकी श्रोताओं जो आप हमें देख रहे हैं, आपको भी ऐसे ही अगर कोई बिजनेस रिलेटेड डाउट्स हैं, कुछ सवाल हैं, आप हमें भेजें और हम आपके सवाल शार्क से पूछेंगे। आप बने रहिएगा आज द शार्क में, आपसे मिलेंगे द न्यू शार्क एंड न्यू क्वेश्चन। स्टे ट्यून्ड।